हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फास्ट। कंप्यूटर ओ लेवल के प्रैक्टिस सीरीज़ मैं करा रही हूँ, जिसमें कि ये छठवा सीरीज़ है, छठवा सेट है। टोटल इसमें आपको 9 सेट मैं करा रही हूँ। इस सेट में आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन में आपको जो MCQs फॉर्म में मिलेगा, मैच द कॉलम मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा। सबके दो दो सेट हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, और जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्वेश्चन एंड आंसर आंसर जो है वो पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि MCQs को पढ़ करके और डायरेक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ करके अगर आप सोच रहे हैं कि 100% आप तैयार हो रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि हर चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, तो मैं आपको सब्जेक्टिव वाइज भी जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर वाइज, वो भी मैं आपको करा सकती हूँ अगर आप कहें तो। चलिए, सेट वन है। निम्न में से क्या आपको एक ही समय में कई उपयोगकर्ता के साथ संवाद करने की अनुमति देता है? क्या आपको एक ही समय में कई उपयोगकर्ता के साथ संवाद करने की अनुमति देता है? चैट रूम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेजेस को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक ब्राउज़र क्या है? इंटरनेट पर वेब पेजेस को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी या डिस्क पर एक स्थान जो कि दूसरे यूजर्स द्वारा भेजे गए ईमेल मैसेजेस को संग्रहित करता है, वो क्या है? वो है मेल बॉक्स। क्या है? मेल बॉक्स है। इंटरनेट को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इंटरनेट नेटवर्क्स का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट का मालिक होता है इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं होता है, इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ना इंटरनेट NIC है, ना IETF है, ना ही IAB है। तो सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर कोई फाइल या मैसेज भेजते समय वह कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाता है, जिसे कहते हैं पैकेट। क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुतायत में उपयोग किया जाने वाला ब्राउज़र है? कौन सा वो ब्राउज़र है जो कि बहुत मात्रा में यूज़ किया जाता है? वो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? CERN के द्वारा। किसके द्वारा? CERN के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न होस्टस के बीच कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? SMTP प्रदान करता है। कौन करता है? SMTP। ईमेल एड्रेस के संबंध में क्या सही है? इनमें @ चिन्ह का होना अनिवार्य होता है, इनमें रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सभी, ईमेल एड्रेस के संबंध में सभी होना चाहिए, @ चिन्ह का होना भी ज़रूरी है, इनमें रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। सेट टू, होम पेज डैश है। होम पेज क्या है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ होता है। क्या होता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ, आप सभी को मालूम होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक आइकन है। इंटरनेट पर जाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, मॉडेम की भी आवश्यकता है, ब्राउज़र की भी आवश्यकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ISP क्या है? ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। I इंटरनेट, S सर्विस, P प्रोवाइडर।
निम्नलिखित में से कौन सा मान्य आईपी एड्रेस है? कौन सा मान्य आईपी एड्रेस है? 192.168.5.56.115। इनमें से क्या डोमेन नेम एक्सटेंशन नहीं है? .int, ये डोमेन नेम एक्सटेंशन नहीं है। डॉट ऑर्गेनाइजेशन है, मेल है, .com होता है, लेकिन int नहीं होता है। FTP प्रोग्राम किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट सर्वर से, और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स से ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः वेब पेजों पर पाया जाता है? वेब पेज पर हाइपरलिंक पाया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, अब आते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पे। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और इसमें भी आपको दो दो सेट मिलने वाले हैं। पहला, विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डॉक्यूमेंट्स की श्रृंखला जिसमें सभी इंटरनेट पर देखे जाने के लिए एक साथ लिंक्ड है, वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, दिस इज ट्रू। आप किसी पिक्चर पर हाइपर लिंक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये गलत है। ई भुगतान व्यवसायों और संगठनों के लिए अपने भुगतान को ऑनलाइन जमा करने का एक स्मार्ट विकल्प है, बिल्कुल है, ये सही है। इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ताओं पर नज़र रखने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम तैनात है, बिल्कुल तैनात है, ये सही है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, बिल्कुल सही बात है। अगला, एट द रेट और डॉट संकेतों का उपयोग ईमेल एड्रेस में किया जाता है, आप सभी को मालूम होगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ये सही है। मॉडर्न कंप्यूटर उपकरणों द्वारा उत्पन्न डिजिटल पल्सेस को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करता है, ये भी सही है, परिवर्तित करता है, दिस इज ट्रू। अगला, www का मतलब वर्ल्ड वाइडेस्ट वेब है, बिल्कुल गलत, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है, W3C एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो वेब के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए खुले मानक विकसित करता है, ये ट्रू है, क्या है, सही है। सेट टू, W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दिस इज ट्रू। वेब ब्राउजर द्वारा संचालित इमेज मैप्स को सर्वर साइड इमेज मैप्स माना जाता है, ये नहीं माना जाता है, गलत है। नेविगेशनल मेन्यू पर प्रत्येक बटन के लिए माउस ओवर इफेक्ट बनाने के लिए आपको प्रत्येक बटन के लिए कम से कम चार अलग अलग इमेजेस होना, इमेजेस की आवश्यकता होती है, चार अलग अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। जावा स्क्रिप्ट एक HTML फाइल से जुड़ी होती है और इसे वेब ब्राउज़र द्वारा वेब का रेंडर करके एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, सही है ये, एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, ये ट्रू है। अगला, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपके ब्राउज़र में डिसेबल नहीं किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है, ये गलत है। अगला, एपलेट्स स्क्रिप्ट से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, एपलेट्स स्क्रिप्ट से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी फाइल को पढ़ने या लिखने की इजाज़त नहीं होती है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एपलेट्स को सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर माना जाता है और इन्हें लेखक से प्रतिबंधों के बिना फ्रीली कॉपी किया जा सकता है, ये गलत है। अगला, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच यूनिक है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है और केवल विंडोज पर चलती है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगला, डाउनलोड करने योग्य एपलेट्स आसानी से एक्सेस करने के लिए आमतौर पर फाइल आर्किव में संग्रहित किए जाते हैं, बिल्कुल ये एकदम सही है। अगला, मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए आपको अपने ईमेल पॉइंट या मेलर को
कॉन्फ़िगर करना चाहिए ताकि किसी भी अटैचमेंट को अपने आप खोला जा सके। ये बिल्कुल गलत है, दिस इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन, मैचिंग दी कॉलम। अब आपको मैच मिलेगा, एक्स एंड वाई दो कॉलम है, एक्स को वाई से मैच करनी है। पहला है इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल और डाटाबेस वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अंतर कंपनी नेटवर्क क्या है? एक्स्ट्रानेट है। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल और डेटाबेस वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अंतर कंपनी नेटवर्क एक्स्ट्रानेट है। अगला है इंटरनेट पर वेब डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए एक प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर है। नेक्स्ट एस टी टी पी का फुल फॉर्म हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। अगला है इसका उपयोग करके ऐसे हाइपरलिंक्स को बनाया जा सकता है जिन्हें किसी विशेष स्थान पर ले जा सके। तो वो है बुकमार्क। ये ठीक है, मैच करेंगे इसको किससे? एम से। अगला www वातावरण में नेटवर्क फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल है, तो इसका होता है FTP, वर्ल्ड वाइड वेब वातावरण में नेटवर्क फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला एक वेबसाइट जो कुछ भी खोज सकती है वो है एक वेबसाइट जो कुछ भी खोज सकती है उसको सर्च इंजन कहते हैं। TCP या IP की फुल फॉर्म TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML डॉक्यूमेंट्स किस टैग जोड़े के साथ शुरू और समाप्त होता है, किस टैग जोड़े के साथ में? तो ये HTML और / HTML। अगला HTML में बॉडी टेक्स्ट बनाने के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? बॉडी का। अगला किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। मैच दी कॉलम, ये आपको दो कॉलम है एक्स और वाई, एक्स को वाई से मैच करनी है। पहला है याहू, इन्फोसिक और लाइकॉस, ये क्या है? ये सारे सर्च इंजन हैं। .com डोमेन क्या दर्शाता है? .com डोमेन कमर्शियल डोमेन को दर्शाता है। क्या है? कमर्शियल डोमेन है। राइट आंसर होगा कमर्शियल डोमेन। अगला क्या बोल रहा है? उपग्रह आधारित संचार में वी सेट का अर्थ है ये बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल है। आउटलुक ईमेल क्लाइंट है। टाइटल टैग इसके भीतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके भीतर में? हेडर होना चाहिए। ठीक है, हेडर। EM/EM टैग के भीतर का टेक्स्ट इस प्रकार डिस्प्ले होता है। टेक्स्ट जो है वो इस प्रकार बोल्ड डिस्प्ले होता है। अगला UL/UL टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस टैग का उपयोग किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। क्या करने के लिए? अंडरलाइन करने के लिए। नंबर्ड लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? नंबर लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? ये टैग होता है OL/OL, ग्रेटर देन OL, लेस देन ग्रेटर देन /OL। अगला विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द लार्ज फॉन्ट साइज,
बड़े फ़ॉन्ट आकार को डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? ये टैग होता है ग्रेटर देन फ़ॉन्ट, लेस देन, ग्रेटर देन स्लैश फ़ॉन्ट। अब ये पी टैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है एक नया प्रोग्राम शुरू करने के लिए, एक नया प्रोग्राम शुरू करने के लिए। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी ऊपर जो आपको सेट वन में ये बॉक्स दिख रहा है, इसी बॉक्स में से आपको शब्दों को उठा करके फिल करनी है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें। ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को अटैचमेंट कहा जाता है। यहाँ पे अटैचमेंट फील करेंगे, ये है अटैचमेंट, ठीक है। डैश एक विशिष्ट विषय से संबंधित आर्टिकल्स, फॉलो अप मैसेजेस जैसे कई विषयों पर चर्चा के लिए एक इंटरनेट फोरम है। कौन है ये? न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप जो है ये एक विशिष्ट संबंधित आर्टिकल्स, फॉलो अप मैसेज जैसे कई विषयों पर चर्चा के लिए एक इंटरनेट फोरम होता है, न्यूज़ ग्रुप। डैश डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और इसके विपरीत क्रम में बदलने के लिए एक उदाहरण है। कौन ये उदाहरण है? मॉडेम। आंसर होगा यहाँ पे मॉडेम फील करेंगे। मॉडेम जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और इसके विपरीत क्रम में बदलने के लिए एक उपकरण होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का फेवरेट्स फीचर एक यूज़र को आसान एक्सेस करने के लिए, लिस्ट में वेबसाइट करने के लिए, वेबसाइट को सेव करने की अनुमति देता है, फेवरेट्स। अगला, ग्रेटर देन टीडी, लेस देन, स्लैश टीडी टैग का इस ये जो टैग आप देख रहे हैं, ये टैग होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है टेबल डाटा के लिए। किसके लिए? टेबल डाटा के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है, प्रोटोकॉल के बाद यूआरएल में दूसरा भाग है, यूआरएल में दूसरा भाग है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। यहाँ पे होगा दूसरा भाग क्या है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। नेक्स्ट, वेब पेज खोलने के लिए यूआरएल को किस बार में टाइप किया जाता है? यूआरएल को किस में टाइप किया जाता है? एड्रेस बार में। एड्रेस बार में ब्राउज़र के टूल बार में डैश बटन का उपयोग उस पेज को खोलने के लिए किया जाता है जिसे आप ब्राउज़र खुलने पर डिफ़ॉल्ट पेज के रूप में सेट करना चाहते हैं। तो किस बटन का? होम बटन का। अगला, इंटरनेट सर्वर से आपके कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डाउनलोडिंग। क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग कहा जाता है। और इंटरनेट पर किसी भी सर्वर पर अपने कंप्यूटर से फाइल को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपलोडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। सेट टू है फिलिंग द ब्लैंक्स का। पहला है, वो शब्द है जो कि आमतौर पर इंटरनेट पर वेब पेजों को नेविगेट करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा शब्द है? उस शब्द का नाम है सफरिंग। सफरिंग वो शब्द होता है जो कि आमतौर पर इंटरनेट पर वेब पेजों को नेविगेट करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डर में हाल में ही देखे गए वेब पेजेस शामिल है। किस फोल्डर में शामिल है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में होता है, हिस्ट्री फोल्डर में हाल ही में देखी गई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं। अगला, यूआरएल का पहला भाग है। कौन? यूआरएल का पहला भाग है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यूआरएल का पहला भाग है। डैश मोजिला का एक ओपन सोर्स मुफ्त वेब ब्राउज़र है। मोजिला का ओपन सोर्स मुफ्त ब्राउज़र है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स मोजिला का एक ओपन सोर्स मुफ्त वेब ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र है। अगला, डैश संपूर्ण फीचर से युक्त एक डिबगिंग टूल है जो कि ओपरा ब्राउज़र में इंटीग्रेट है। ओपरा ब्राउज़र में इंटीग्रेटेड है। तो ये कौन सा संपूर्ण फीचर है? उसका नाम है
ओपेरा ड्रैगन फ्लाई, ओपेरा ड्रैगन फ्लाई संपूर्ण फीचर से युक्त एक डिबगिंग टूल होता है जो कि ओपेरा ब्राउजर में इंटीग्रेटेड होता है। अगला डैश एप्पल इंक डॉट एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है, लोकप्रिय वेब ब्राउजर है सफारी, सफारी एप्पल इंक का एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। पहला वेब ब्राउजर कब बनाया गया था, मतलब किसने बनाया गया था पहला वेब ब्राउजर, ये 1990 में बनाया गया था पहला वेब ब्राउजर। पहला वेब ब्राउजर द्वारा किसको बनाया गया था, पहले वेब ब्राउजर के द्वारा टीम बर्नर्स-ली ने, किसके द्वारा, यहाँ पे चलिए आप देख लीजिए बॉक्स में, हाँ टीम बर्नर्स-ली, पहला वेब ब्राउजर बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 डैश नेटस्केप द्वारा विकसित किया गया था जिसमें ओरिजिनल मोजेक बनाने वालों में से कई कार्य थे, तो कौन सा नेटस्कोप के द्वारा विकसित किया गया था, नेटस्केप नेविगेटर के द्वारा, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप द्वारा विकसित किया गया था जिसमें कि ओरिजिनल मोजेक बनाने वालों में कई कार्य थे। तो यहीं से आपका छठा सेट भी समाप्त होता है। अब आपके तीन सेट और रह गए हैं आपको कराने के लिए ओ लेवल के लिए चैप्टर वाइज, लेकिन क्वेश्चन आंसर अभी पूरे पड़े हुए हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं करा दूंगी। अगर आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं अच्छी तरीके से समझना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो तो आप बताइएगा, और इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी मैं कराऊंगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।